इसीलिए गाइस मैंने ना बट हमने वेनम के साथ किया ग्रैंड मास्टर का प्रॉपर सोलो हो चुके हैं गाइस वन मास्टर साल नहीं है मेरे को हुआ है बट क्या हुआ है बट पीछे आगे पीछे बढ़े ठीक है बस आज तो मुझे लगा ही इज एट 1% है गाइस डैम सोलो गाइस हाय गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन अवी गेमिंग हब। तो कैसे हैं आप लोग, आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ 8.4.3 के लिए। ठीक है, एज कॉन्टिन्यूएशन में हम सीरीज़ को चला रहे हैं कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ विच पाथ इज सुटेबल फॉर यू और आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग इज कौन सा नोड हमें लेना चाहिए। ठीक है, वेन यू कम हेयर यू विल फील लाइक देखिए द डिफेंडर रिड्यूसेस द अटैकर डिफेंसिव एबिलिटी एक्यूरेसी बाय 90% अनलेस द डिफेंडर इज सफरिंग फ्रॉम अ सस्पेशन डीबफ। ठीक है, अब ये जो सस्पेशन डीबफ है, ठीक है, ये किन तरीकों से आ सकता है। ठीक है, ये कॉम्बैट पावर रेट को गिराता है, बट यहाँ पे साफ साफ लिखा है व्हेनेवर द अटैकर इन्फ्लिक्ट्स इंसिडेंट डीबफ पैसिव। ठीक है, इंसिडेंट डीबफ और पैसिव दे इन्फ्लिक्ट 15% मतलब 15 सेकंड्स के लिए 5% सस्पेशन डीबफ डाल देगा। ठीक है, मतलब सस्पेशन डीबफ डालना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी एबिलिटी अगर जैसे कि ऐसी की तैसी होने वाली है। ठीक है, द डिफेंडर इज गोइंग टू गेट इन्फिनिटी प्रोटेक्शन इंडेफिनिट प्रोटेक्शन। ठीक है, रिड्यूसिंग ऑल द मतलब वही 75% तक रिड्यूस हो जाएंगे, कूल डाउन 15 सेकंड्स, दे गोज इनटू द कूल डाउन फॉर 15 सेकंड्स व्हेन नॉकडाउन, मतलब आपको उसे नॉकडाउन करना होगा, उससे क्या होगा ये चीज़ चली जाएगी। ठीक है, हैवी असॉल्ट वाली। व्हेनेवर द अटैकर डॉजेस एन अटैक, जब हम कोई भी मतलब हिट को डॉज करेंगे तो डिफेंडर गेट्स इनडेफिनिट फ्यूरी। ठीक है, अटैक रेटिंग में 20% फॉर 7 फ्यूरीज द डिफेंडर गेंस एन अनस्टॉपेबल पैसिव फॉर 5 सेकंड। मतलब एक तो उस पर वो हर डेक्स के साथ में या फिर हर डॉज के साथ में एक फ्यूरी आएगी, 7 फ्यूरी के बाद में वो अनस्टॉपेबल भी हो जाएगा। द डिफेंडर स्पेशल अटैक इज पैसिवली अनब्लॉकेबल, दिस एबिलिटी कैन नॉट बी अफेक्टेड बाई एबिलिटी एक्यूरेसी रिडक्शन। ठीक है, आप रिडक्शन नहीं कर सकते, तो इस बात के लिए मैं कह सकता हूँ कि आपका सन स्पॉट भी काम आ जाएगा, आपका किटी प्राइड भी काम आ जाएगी, आपके पास में अगर बिशप है वो भी काम आ जाएगा, बट स्टार्टिंग में वो एबिलिटी एक्यूरेसी नहीं रहेगी, तो आपको याद रखना पड़ेगा। या फिर आप कोई ऐसा चैंपियन लेकर चले जाओ जो सप्रेशन डीबफ डालता हो। इसमें कितने चैंपियन है अभी मेरे को खुद भी इतना ज़्यादा श्योरिटी नहीं है, इसलिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मतलब या फिर कमेंट्स में डाल दूंगा। ठीक है, रिसर्च करके, वरना मैं तो ये कहूँगा इंसिडेंट डालने वाले ले जाओ यार, बहुत हैं अभी। ठीक है, इंसिडेंट डालने वाले और कितने चैंपियन हैं भाई, कितने ज़्यादा चैंपियन है, अब्जॉर्बिंग मैन है। ठीक है, तो डाल दोगे तो इतना कोई ज़्यादा मुश्किल पाथ ये भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं स्टार्क वाले पाथ पे। तो स्टार्क वाले पाथ में गाइज व्हेनेवर द डिफेंडर डैशेस फॉरवर्ड और चार्जेस अ हैवी अटैक। ठीक है, जब भी डिफेंडर ये चीज़ें करेगा आपके ऊपर फॉरवर्ड या फिर हैवी अटैक को यूज़ करेगा, दे विल गेन अ नॉन स्टैकिंग 3 सेकंड अनस्टॉपेबल पैसिव। अरे भैया मेरे को मत पर जान करो एज ए नोट्स दे के। ठीक है, उसके बाद में कूल डाउन फॉर 7 सेकंड्स इफ द डिफेंडर लॉन्चेज अ स्पेशल अटैक वाइल अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल इज पॉज एंड ऑफ डिफेंडर गेंस अनब्लॉकेबल पैसिव एंड 5% फ्यूरी। अरे भैया ये गंदा था, ये गंदा है। उसके बाद मैंने पता, अटैकर एक्टिवेट्स अ स्ट्राइकर, एनी स्ट्राइकर मतलब पता है क्या है, रिलेक और कुछ नहीं है। ठीक है, एनी वेपन नोड ऑन द डिफेंडर से बल्ड, मतलब कुछ नहीं, बस यार रिलेक को यूज़ करो एंड मक्खन। ठीक है, मक्खन पूरा मक्खन। मैंने पता, डिफेंडर कूल डाउन दे विल गेट 20% ओके डैमेज ओवर टाइम डीवर से 200% ज़्यादा डैमेज होगा जब आप अपना रिलेक यूज़ कर चुके होगे। ठीक है, और ये बिस्ट्रेक करके जो भी है, वाइल द वेपन नोट इज अंडर कूल डाउन द डिफेंडर स्पेसिफिकली स्टन इम्यून एंड दे विल गेन अ दे आर डैशिंग फॉरवर्ड गेंस अ फ्यूरी। फ्यूरी मिल जाएगी और स्टन इम्यून हो जाएंगे आपके डिफेंडर्स जब भी आप अपना रिलेक यूज़ कर लोगे उसके बाद में, क्योंकि उससे क्या होगा वेपन नोट चला जाएगा, वेपन नोट जब होगा तो ये सड़ाइंद चीज़ होगी, अनस्टॉपेबल वाली, वरना नहीं होगी। ठीक है, एज सून मतलब दोनों पाथ में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट मैंने कौन सा पाथ लिया था, मैंने लिया था थोड़ा सा अलग पाथ, आई नो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला था, बट हाँ पूरी फाइट करके दिखाऊंगा। और ये वाला पाथ लिया था मैंने जेन फोस्टर वाला, जिसमें ब्लॉक पे मार मार के ही पावर गेन होनी थी, और मतलब वही एवरी 20 सेकेंड्स होगा क्या बेसिकली, जब भी आपका बार ऑफ पावर आएगा तो उसके ऊपर एक प्लेसिबो मतलब एक तरीके से भी दिखा देता हूँ मैं आपको, डीलिंग 100% डिफेंडर द अटैकर इन्फ्लिक्ट विद द डीजनरेशन पैसिव। ठीक है, डीलिंग 100% ऑफ द ओके 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 एक सेकेंड रुकिएगा मैं बता देता हूँ, अटैक रेटिंग बाय 200% इफ द अटैकर एक्सपायर। ठीक है, बार ऑफ पावर, हाँ तो क्या होगा, जैसे जैसे आपके बार ऑफ पावर होगी सामने वाले पे डायनेमो चार्जेस बनेंगे, वो डायनेमो चार्जेस 2 बनेंगे पर बार ऑफ पावर। ठीक है,
तो जब ये एक डायनेमो चार्ज जो है वो 30% रुके वेन एवर द डिफेंडर नॉक डाउन दे विल कंज्यूम ऑल द डायनेमो और 30% मतलब अगर आप एक बार करते हो पावर बनाते हो तो उसके दो डायनेमो चार्जेस मिलेंगे और आपने उसे अगर नॉक डाउन कर दिया तो 30% पर डायनेमो चार्ज, तो मतलब अगर आप देख सकते हो दो हैं तो मतलब 60% उसके पावर गेन तुरंत, तो आप उसे नॉक डाउन मत करिएगा, मतलब उसे स्पेशल ना मारिएगा ऐसे टाइम पे कि आप उसे नॉकआउट कर दो, लाइक ऑन दी मतलब बॉडी पे भी ना मारो ना फिर कोई हैवी मारो, बस मारते ही चले जाओ इतना, ठीक है। उसके बाद में क्या है था अटैकर गेंस 5% मतलब ब्लॉक पे मार मार के आपकी पावर गेन होगी, ठीक है। और क्या था अटैकर एक्टिवेट्स अ पावर गेन बफ, ओके वेन एवर द अटैकर एक्टिवेट्स अ पावर गेन बफ इट इज़ रिमूव एंड मतलब आप पावर गेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में क्या है डिफेंडर इज मोर लाइकली टू एक्टिवेट स्पेशल टू, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा और अंदर तक रखिएगा। तो बातों को करते हैं खत्म, ये वाला बात तो हम लोग आपको करके दिखाने ही वाले हैं, सो लेट्स गो एंड फाइट थ्रू दिस 8.4.3, सो लेट्स गो। तो गाइज यहाँ पे हमारी फाइट्स स्टार्ट हो गई थी, तो फाइट्स स्टार्टेड और यहाँ पे हमारी पहली फाइट थी जेन फोस्टर के अगेंस्ट। तो देखिए मैं इस वाले पाथ पे ब्लॉक पे मारने की बात थी तो ऐसा तो हो नहीं सकता था कि टीम में वैलकरी ना हो, सो वी गॉट वैलकरी, वी गॉट हल्कलिंग, वी गॉट एवरीथिंग, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था हल्कलिंग के साथ में बिकॉज जो हल्कलिंग है वो शॉक इम्यून है एंड जेन फोस्टर के अगर स्पेशल वन में गलती से खा भी जाऊंगा तो वी विल हार्डली गेट दैट शॉक और हमें शॉक से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि वी आर यूजिंग हल्कलिंग, ठीक है। अब हल्कलिंग के साथ में क्या है वो पियर्स के साथ में आपको बेनिफिट तो देगा इस वाले पाथ में, बट एक प्रॉब्लम है उसके साथ में, वो प्रॉब्लम ये है कि जब आप 5 हिट ब्लॉक पे मार दोगे तो उसके बाद में वो अनब्लॉकेबल हो जाएगा, तो उसके बाद जब भी आप स्पेशल टू अपनी छोड़ोगे ना तो वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि भाई आप उसे नॉकआउट कर दोगे, तो पर बार ऑफ पावर उस पर डायनेमो चार्जेस आ ही रहे हैं, लाइक अभी 4 लिखा है तो अगर 4 का मतलब ये है 30-30 मतलब उसकी चीज़ें बनेगी SP3 जहाँ तक है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट नियर टू SP3 बनी, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है हमारे साथ हल्कलिंग को यूज़ करने में, भाई अगर वो अनलॉकेबल ना होता तो बहुत आसानी से हम लोग बिना पियर्स के कोई भी नौटंकी के इसे मार देते हैं, बट क्या हो रहा है भाई नॉकआउट तो हम कर रहे हैं बट वी आर सेफली डूइंग इट। कोशिश ये करनी है कम से कम डायनेमो चार्जेस बनाए जाएँ, ज़्यादा डायनेमो चार्जेस अगर बन गए एक बार तो फिर नॉकआउट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं बनता है, ठीक है। तो वही मेरा सीन था कि भाई मैं बढ़िया आराम आराम से करता रहूं और यहां पे तो मैंने प्रॉपर नॉकआउट दे दिया था, तो भाई देखिए बस यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि हल्कलिंग ने उसकी स्पेशल वन खाई एंड वी गॉट नो शॉक, वी गॉट नो प्रॉब्लम्स एंड हल्कलिंग डिड इट सो सॉफ्टली, ठीक है। फिर इसके बाद में जो मेरी फाइट थी वो होने वाली थी नेब्यूला के साथ में, तो हम लोग तैयार थे बेचारे नेब्यूला को दिखाने के लिए कि कौन है दुनिया का पापा, हूँ पापा वाला हिसाब किताब, ठीक है। तो पापा वाला हिसाब किताब रखने के लिए आया था हल्कलिंग, सो हल्कलिंग ने देखेगा अगर वो तो आप ही को पता लग पाएगा देख के, ठीक है। तो यहाँ पे प्यार से हम लोगों की हुई है फाइट स्टार्ट और यहाँ पे हम लोगों ने मारने किया है चालू ब्लॉक पे जिससे हम लोगों को बढ़िया पियर्स मिले और हम लोग प्रॉपर डैमेज करें ब्लॉक पे, एकदम झक्कास वाला डैमेज करें, तो वो मैं करता हूँ बट यार वो अनब्लॉकेबल हो जाता है तो ना यार ऐसा दिल दुख हो जाता है मेरा। तो आप लोग वो चीज़ कर सकते हो कि आप लोग वो गलती ना करो जो मैंने करी है, उस गलती से बचने का सिर्फ तरीका ये है कि जब आपकी 2 बार ऑफ पावर बनने वाली हो ना, जैसे मतलब 2 बार ऑफ पावर आपकी बनने वाली हो तो आप 2 बार ऑफ पावर बनने से पहले एक हैवी मार दो, उससे उसकी जो भी स्पेशल बने वो उसे बेट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने पूरा भैया तय कर लिया था कि कोई बात नहीं अगर वो है मारेगी स्पेशल 3 तो हम खाएंगे स्पेशल 3, हम हेमडाल को ऐसे ही नहीं लाए फोकट में, हम इसीलिए लेके आए हैं कि भाई कुछ भी होगा वी आर रेडी फॉर इट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने खा ली थी एंड मतलब होप्स हो कि यार बच गया मैं, ठीक है। तो जहाँ तक ये रीजनरेशन तो एक्टिव हो ही गया था तो कोई टेंशन बची नहीं थी एंड आई विल बी लाइक मैंने यहाँ पे फिर से एक उसे नॉकआउट मारा था, बट डर तो लगता है यार क्योंकि वो डायनेमो चार्जेस किसी का वेट नहीं करते, तो यहीं पे भाई मारता रहा मैं मारता रहा, जब तक मारो भाई मारते रहो, ठीक है। हिमडाल सिनर्जी थी, पता ही था कि भाई स्पेशल 3 अगर पुश कर भी गया तो मैं बच जाऊंगा, ठीक है। उस हिसाब से ही मैं खेल रहा था, मैं तो हमेशा कहूंगा भाई हिमडाल को अपनी टीम में रखो, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है कुछ भी करने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से मेरी स्पेशल 3 चलती रही, मारना स्पेशल 2 चाहता था बट मारनी स्पेशल 1-3 पड़ रही थी क्योंकि भाई वही बनी जा रही थी ब्लॉक पे मार के, इतना अच्छा पावर गेन हो रहा था कि कोई टेंशन ही नहीं थी, बहुत आराम आराम से हमारी स्पेशल 2 बन रही थी, ठीक है।
तो यहाँ पे भाई हम लोग उसे मारे पड़े हैं बहुत बढ़िया तरीके से, कोई ऐसी दिक्कत आ नहीं रही है। बट इसके बाद आप देखिएगा मैंने जो वैल्करी यूज़ करी है ना, वैल्करी इज़ लाइक मतलब क्या ही बताऊँ यार मैं, वैल डिड सो मच फॉर मी फॉर दिस पाथ। शायद ये वही वाला पाथ है जो आप लोगों को थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। सप्रेशन वाला जो पाथ है वो फिर भी थोड़ा इजी है एज आई सेड इन माय इंट्रो, बट मैंने ये वाला पाथ इसलिए लिया क्योंकि मेरे को मज़ेदार लग रहा था कि भाई मैं ये वाला करके देखता हूँ। आई नो दिस इज़ अ बिट हार्ड देन द अदर्स, बट कोई बात नहीं यार, कभी कभार अगर हमारे पास अच्छे काउंटर्स हो तो कुछ खेलने का अलग ही मज़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वैल का सीधा सीन मेरा यह था कि भाई मारूंगा स्पेशल टू और देखेगा होगा क्या, अभी मैं उसे उस टाइम पे मारूंगा ही नहीं, ना मैं मारूंगा हैवी जिससे मैं उन वाले पीएस को मतलब उसमें कर लूँ पैसिव में, मेरे को करने ही नहीं है, मेरे को बस ऐसे ही ब्लॉक पे मारते रहना है। मैं आप ब्लॉक पे मारता रहूँगा, मेरी स्पेशल टू बनती रहेगी और मैं स्पेशल टू मारता रहूँगा ऐसे ही ब्लॉक पे। मेरा अच्छा खासा डैमेज हो रहा था, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, जितने आए पीयर्स आने दो मैं मारता रहूँगा, आराम से अच्छा खासा डैमेज कर रही थी वैल और मेरे को भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब जैसे उसकी स्पेशल टू बनने वाली थी तो आई विल बी लाइक कि भाई उसको मैं स्पेशल वन बेट कर दूँ, तो मैं बेट कर भी पा रहा था, ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही थी मुझे। हो पैसिवली अनब्लॉकेबल क्या फ़र्क पड़ता है यार, आई एम वेरी गुड विद वैल, मतलब इतना अच्छा चल रहा था सब कुछ कि भाई वैल से तो आराम से बात मैं कर ले जाऊँगा, यही वाली फीलिंग आ रही थी अंदर से, ठीक है। तो आराम से आप लोग देख सकते हो कोई ज़्यादा कोई दिक्कत आ नहीं रही है, बस वही मेरा माइंड सेट है कि भाई बेट करते रहो और मारते रहो, ठीक है, देख रहे हो। मतलब वैल इज़ अ चीट कोड फॉर दिस नोड, लाइक आप लोगों को जब भी एक्सप्लोरेशन के लिए जाना है, क्योंकि यार कोई भी जाएगा तो एक्ट एट के एक्सप्लोरेशन के लिए ही जाएगा, ठीक है, तो उस हिसाब से ही समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे बहुत आराम से आप लोग देख सकते हो हम लोग मार रहे हैं, कोई इतनी कोई दिक्कत है नहीं, तो इन्जॉय करो। और मतलब भाई क्या ही बोलूँ मैं, वैल ने क्या सपोर्ट दिया था यार, दिल खुश हो गया था। स्पेशल वन बेट का तो यार चक्कर ही है, स्पेशल वन ही तो बेट करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और स्पेशल थ्री तक यार ना पुश करना यार, फालतू में फिर ना नॉकआउट करना पड़ेगा। देख रहे हो डायनेमो चार्जेस कितने ज़्यादा बन रखे हैं 20 के, मतलब अगर एक बार भी नॉकआउट कर दिया तुरंत एम डाल के स्पेशल थ्री और खेल ख़त्म, ठीक है, तो उस हिसाब से सोच के खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल ने भी अपना पाथ कर दिया है, ठीक है। तो गाइज जो नेक्स्ट वाली फाइट मेरी हो रही थी वो हो रही थी दी हुड के साथ में, एंड आई एम बिट मोर क्रेजी कि भाई हुड का कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, बट मुझको लगा कि हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं साकर को लिया यार, किसी के पास अगर 7 स्टार में साकर है ना, तो यार ये वाले पाथ पे तो वो धूम ही मचा देगा। हम लोग तो यार कितना सा लाइन नल्ला से मैं साकर लेके आए हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है भाई, इतना छोटा सा मैं शक्कर है मेरा, तो मैं शक्कर ऐसा मस्त तरीके से बल्ला चलाने का रही, ठीक है। तो यहाँ पे मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, वही सीन साला चल रहा था कि सारा सीन ही यही है कि भाई बस मारते रहो, ठीक है। स्पेशल टू के बाद में हिट शिट्स लगते हैं नहीं, तो आराम से अपना बल्ला घुमाते रहो, स्पेशल टू मारते रहो, ठीक है, यही प्लान था मेरा। स्पेशल वन बेटिंग, क्योंकि भाई दी उठ की भी स्पेशल वन बहुत ज़्यादा ईजी है डेक्स करने में, ठीक है, मतलब क्लोज टू स्पेशल थ्री जाओ और स्पेशल टू मारते रहो, बस यही सीन था, ठीक है। बल्ले में आग लग जाएगी तो बल्ला ज़्यादा डैमेज करेगा, ये तो सबको पता है, बल्ला बहुत शानदार है मसाकर का। स्पेशल वन बेटिंग और बल्ले से तोड़ते रहो टांगे, बस इतना ही है सीन, ठीक है, बस मारते रहो मारते रहो मारते रहो मारते रहो, और कुछ नहीं है भाई उसके पास में, बस जिस चीज़ से डर है वो थोड़ी देर बाद आ जाएगी और उस डर के बारे में मैं आप लोगों को बता भी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत आराम से धूप को ऐसे मार रहे हैं, इतनी कोई दिक्कत आ नहीं रही है, बस वही साइकिल मैंने रिपीट कर रखी है स्पेशल टू वाली, और मैं वही करूँगा पूरे पाथ में। आने दो डायनेमो चार्ज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम नॉकआउट करेंगे ही नहीं, हम ब्लॉक पे ही मारेंगे, ठीक है। इसी चीज़ में कमी आ जाती है उसकी, क्या कहते हैं, हल्क लिंक की, कि अगर वो अनब्लॉकेबल ना होता तो वो इस पाथ का MVP होता, बट क्या बोले वैल को कैसे भूल सकते हो यार, वैल कहीं तो, वैल वैसे भी कम ही कंटेंट्स में काम आ रही है, तो ऐसा तो कंटेंट जब आता है तो वैल इज़ दी टॉप मोस्ट चैम्पियन जो सबको चाहिए ही होती है, ठीक है। अब मस्त तरीके से बल्ला फेंक के ऐसा टांगे तोड़ दो सामने वाले की, ठीक है। इस वाली क्वेस्ट में मैंने कहा सुसाइड ऑफ करी थी क्योंकि स्पेशल बहुत बार यूज़ करना था मुझे,
ठीक है, और मस्त तरीके से ये भी यहाँ पे निपट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से मारता रहूँगा मैं, निपट जाएगा ये भी। बस गाइज यही है फंडा, ना नॉकआउट करो ना कुछ करो, बस ब्लॉक पे करो, जो करना है गाइज ब्लॉक पे करो और कुछ नहीं है। ठीक है, ब्लॉक पे वेट करो, ब्लॉक पे मारते रहो बस। वाह बढ़िया, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अय्या, तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट वाले पाथ पे और देखते हैं किससे होने वाली है हमारी नेक्स्ट फाइट। तो गाइस नेक्स्ट वाली फाइट मेरी होने वाली थी हरकुलिस के अगेंस्ट, और मेरा दिल लग रहा था कि भाई कहीं फंस ना जाए अभी तो, कहीं फंस ना जाए, बट यार ऐसा लगा कि काश हरकुलिस को हरकुलिस के अगेंस्ट यूज़ कर लूँ। बहुत बार सोचा, दिमाग लगाया, पर दिल कह रहा था यार क्यों यार, जो पाथ कह रहा है यार पाथ के सपोर्ट वाले बंदे को ले जा, मतलब दिल कह रहा था, और मैंने वही किया जो बोलता है दिल, भाई वही करने का है, बस सीधी बात है, आइला फोकट ऐसा करने का। ठीक है, तो ऐसा मतलब वैलकरी लेके गया एक 90,000 के हरकुलिस के अगेंस्ट, जो कि ऐसा वैसा नहीं, बहुत बदतमीज़ हरकुलिस था। ठीक है, मेरी छोटू सी वैल है, और छोटू सी वैल को मैं इतने बड़े हाथी के आगे ले गया, और मुझे बस यही लग रहा था कि भाई गलती से उसके अगर मैं चक्रे में आ गया ना स्पेशल टू के, तो मौत बहुत गंदी होने वाली है। ठीक है, लो इतना भी फिर गलत सलत सोचोगे तो फिर भाई गेम ही नहीं खेल पाओगे, ये भी मुझे लगा। तो मैंने कहा नहीं यार, मारेंगे अपने लोग मारेंगे। ठीक है, तो सीधे तरीके से मेरा ये था कि स्पेशल वन स्पेशल टू चाहे कुछ भी हो, हरकुलिस की डेक्स हो ही जाती है तो भैया सीधा था भाई ब्लॉक पे मारेंगे और कोई भी नॉकआउट नहीं देंगे। ठीक है, एक नॉकआउट भी अगर आ गया, मतलब मान लो अगर उसकी स्पेशल थ्री आ गई, तो बचना क्या, मतलब भूल जाओ यार कुछ होने भी वाला उसके बाद में। स्पेशल टू में देख रहे हो वैल कितने आराम से दूसरी स्पेशल टू बनाए ले रही है, मतलब सोचना भी नहीं पड़ रहा है स्पेशल टू छोड़ने से पहले कि दूसरी बनेगी या नहीं, देख रहे हो इतने हिट्स हैं ना, इतने हिट्स हैं। कोई अगर ऐसा चैंपियन हो गाइस जो प्रोजेक्ट टाइल मारता हो स्पेशल वन के बाद में बहुत सारी, लाइक पनिशर 2099, पनिशर नॉर्मल वाला, या फिर आप कह दो कोई भी जो गन चलाता हो लाइक डैनी मूनस्टार हो चाहे कोई भी हो, बहुत आराम से यहाँ पे स्पेशल बनाता ही चला जाएगा। बस ये सीन है कि भाई वो वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अनब्लॉकेबल वाली, बाकी तो सब हो जाएगा। देख रहे हो वैल से कितने प्यार से हम लोग मार रहे हैं, वाह। तो वैल अपने मस्त तरीके से यहाँ पे हरकुलिस को टेक डाउन कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, मारो स्पेशल वन हरकुलिस, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, जाओ पीछे अब। अरे पीछे जा भाई, 10 रुपये दूंगा, 10 रुपये, पीछे जा, पीछे ब्लॉक पकड़, 10 रुपये। अरे अच्छा 20 में मान गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल टू पूरा धंधा करेगा हरकुलिस, देख रहे हो कितना आराम से पकड़ा हुआ है। स्पेशल टू, एक और स्पेशल टू बस घुमा दूं। यहाँ पे पूरा निंजा मेरे अंदर का निकल आया। अब भाई इतना तो पता है कि इमॉर्टेलिटी एंड करने का वेट करना ही पड़ेगा भाई, करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैंने घुमा दी अपनी प्यारी सी चक्री, और यहाँ पे बढ़िया तरीके से वैल्करी ने गिरा दिया है हरकुलिस को। वोट फॉर वैल्करी। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली जो फाइट है वो होने वाली है किसके अगेंस्ट, ड्रैगन मैन मनोसेरो। ये गाना है सुअर के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा सुअर है, और इसी ने मेरी जो अच्छी खासी चलती फिरती क्वेस्ट थी उसकी ऐसी की तैसी कराई। ठीक है, सबसे पहले मैंने यूज़ करी इसके अगेंस्ट वैल, जो प्रॉब्लम आने वाली है आपको अगेंस्ट इस ड्रैगन मैन इज गोइंग टू बी दैट पावर गेन, इरिटेटिंग पावर गेन, उसके साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ अनब्लॉकेबल स्पेशल्स। ठीक है, कि अब मतलब आपको उसे स्टन ही करना होगा, उसके ब्लॉक पे ही मारना होगा, लाइक देखिए उसकी स्पेशल वन भी बनी हुई है और वो भी पावर गेन भी, तो आप ऐसा नहीं है कि आप बस ब्लॉक पे ही मार मार के गेम को एंड कर दोगे, क्योंकि ना उस पर पावर गेन आ जाएगा। देखो जैसे आया तुरंत उसकी स्पेशल टू बन जाएगी, मतलब सांस भी नहीं ले पाओगे उससे पहले। ठीक है, अब मेरे को यही लगा कि भाई अगर मैं उसे रोकने जाऊंगा लाइक मार दे भाई स्पेशल टू यार, मारी मतलब वो मार ही नहीं रहा था स्पेशल टू,
उसके बाद में मैंने वैल से पूरा पुश डाला है, ठीक है। और वैल से पुश डालते डालते मुझे यही लगा कि बस ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज मैं करता जाऊँ, और ये सुअर कहीं का एकदम स्पेशल थ्री मार नहीं रहा था, और मैंने आगे बढ़ा और यहाँ पे ड्रैगन मैन ऊपर उड़ा और मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी मौत मुझे दिखने लगी है, और वो मौत मुझे वहाँ पे दिखने लगी। और मैंने यहाँ पे वैल करी की घुमाई चक्री, और ये होता है जब आप हेमडाल को टीम में लेके आओ, और फिर से यहाँ पे ड्रैगन मैन ने दिखाया अपना सुअर पना और मेरे को ऐसे गला दिया है। और फिर मैं चलने वाला हूँ अपने नेक्स्ट वाली बैटल में जो कि अगेंस्ट होने वाली है मैसाकर के, तो मैसाकर को लेके जाता हूँ मैं अगेंस्ट ड्रैगन मैन, और दिखाने वाला हूँ मैं अपने बल्ले की ताकत। हाँ, मेरे बल्ले में बहुत है ताकत, मेरे बल्ले में लग जाती है आग और मैं कर देता हूँ ड्रैगन मैन को राख। वाह वाह वाह, तो होने वाली एक बहुत बड़ी बैटल अगेंस्ट ड्रैगन मैन। एंड ये ड्रैगन मैन क्या ही बोलूँ, इतना बड़ा सुअर था कि मरने को तैयार ही नहीं था। तो यहाँ पे मैंने इसके ब्लॉक पे मैंने सोचा मैं जितना भी मार लूँ ये सुअर का मरेगा नहीं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज दे दूँ। और यहाँ पे उसकी पावर गेन भी आ रही थी, तो मेरे लिए बस इतना था कि भाई, और यहाँ पे मेरा बल्ला घूम गया और यहाँ पे मैंने करी सबसे बड़ी गलती, यहाँ पे उसको नॉकआउट करके, और नॉकआउट करने के बाद उसकी बन गई फिर से स्पेशल 2, और उस पर पावर गेन भी आने वाला था, बट उससे पहले उसने मार दी अपनी स्पेशल 1। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि भाई बहुत बढ़िया, तू तो मेरा दोस्त है, ठीक है। अब मैं उससे कह रहा हूँ ब्लॉक में जा, 10 रुपये दूंगा, 10 रुपये की तुरंत बात सुनता है मेरी, 20 रुपये में भी बात सुनता है, ठीक है। यहाँ पे हर कोई MCOC में बस धंधा करने के लिए बैठा है, कोई भी ऐसा नहीं है कि फाइट करने बैठा है। अभी मैं उससे कह दूंगा ना पीछे जा, 20 रुपये ले, 20 रुपये ले, देख पीछे गया तो तुरंत 20 रुपये देते ही वो मेरा काम बन जाता है, और मैं ब्लॉक पे मार मार के बढ़िया स्पेशल 2 मारता हूँ, ठीक है। जब सामने वाले के स्पेशल 3 बन जाती है तो नहीं मानता आदमी, तब 100 रुपये में मानता है। और यहाँ पे मैसाकर पे आग लगा दी गई है, तो मैसाकर ने अच्छा खासा डैमेज तो कर ही दिया था, तो आई विल बी लाइक कि भाई बस पीछे जा तू, पीछे पीछे हट हट, 20 रुपये, ठीक है, 20 रुपये के लिए बात मान गई है। और यहाँ पे मैंने मस्त तरीके से मारी ऐसी गन, और मेरा यही था कि भाई मैं ब्लॉक पे, उसने ब्लॉक पकड़ा रहा क्योंकि 20 रुपये की बात हुई थी कि भाई थोड़ी देर तक पकड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, कैसे मरा भगवान जाने, ठीक है, बात एक बाहर नहीं जानी चाहिए इस वीडियो की, ठीक है ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे अपना प्यारा प्यारा मोटा मोटा हल्कलिंग, क्योंकि हल्कलिंग का क्या है भाई, वो पेयर्स भी रखेगा और, पर वो अनलॉकेबल हो जाएगा ये बात मेरे को पता थी, और स्पेशल 3 ड्रैगन मैन मारेगा ये भी पता थी। तो हल्कलिंग को मैं लेके गया और हल्कलिंग के तलवार ने दिखाया अपना पूरा जादू, यहाँ हमारी स्पेशल 1 करा नॉकआउट, बनी उसकी स्पेशल 2, और मेरे को लगा होले होले हो जाएगा प्यार सजना, होले होले हो जाएगा प्यार, ऐसा मुझे ड्रैगन मैन कहने की कोशिश कर रहा था, बट मैंने कहा नहीं, होले होले प्यार नहीं करना है, तू सुअर है, तेरे से मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। और यहाँ पे वो पूरी तरीके से तिगड़म दिखाते हो अपनी स्पेशल 1 फेंक के, और यहाँ पे मस्त कमेंट्री करने का रही। तो यहाँ पे मैंने मारी ऐसे स्पेशल 2 और बनी उसकी स्पेशल 3, और वो उड़ा हवा में, मुझे लगा मेरी मौत आ रही है। और यहाँ पे हेमडाल ने बोला मैं हूँ ना पापा, ठीक है। तो यहाँ पे मारी मैंने ऐसे मस्त तरीके से स्पेशल 2, और यहाँ पे बहुत फॉल हुआ है डैमेज, और बनी स्पेशल 3, बट हल्कलिंग अपना काम करके गया। आई हैव ड्रॉप डाउन दिस ड्रैगन मैन टू लाइक 5% और 4%, तो दिक्कतें ख़त्म हो गई थी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हर्क्युलिस का किया यूज़ क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था लड़ने के लिए, ठीक है। हल्कलिंग आया, हर्क्युलिस ने पीछे हटाया, ऐसे 10 रुपये का नोट दिया और मस्त तरीके से ब्लॉक पे मारना चालू किया। पीछे हट बसंती, मैं तेरे ब्लॉक पे SP1 मारूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे SP शायद मैंने 2 मारी थी क्या, या पहले ही मर गया था, मेरे को लगा पहले ही मर गया था ये। नहीं, स्पेशल 2 खाए करे, तो स्पेशल 2 खा के मर गया यहाँ पे ड्रैगन मैन। एंड नेक्स्ट फाइट होने वाली हमारी किस पे, दी बॉस फाइट। हाँ, बॉस फाइट बहुत ज़्यादा बदतमीजी होती है बॉस फाइट्स में, ठीक है। तो बॉस फाइट्स में गाइज मैं आप लोगों को एक सजेशन देने वाला हूँ कि लाइक दी अदर बॉसेस, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सच बोलूँगा, वैलकरी इज़ गोइंग टू बी द मच ईजियर बॉस फॉर यू गाइज, बिकॉज 400% उस पर पावर नोड वाला था कि उसे स्पेशल से ही डैमेज होगा। बस एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो स्पेशल वो आपको ऊपर दिखाएगा, सिर्फ वही स्पेशल यूज़ करनी है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस वाली बैटल में, ठीक है। ना मैंने कॉम्बो पर ध्यान दिया, ना मैंने पियर्स पर ध्यान दिया, क्योंकि मैं ब्लॉक करता ही नहीं हूँ। एंड मेरा अवेलेबल रोस्टर था उसमें KT भी थी, एंड आई हैव बीन चेकिंग दिस सैस्क्वैच ऑल्सो, एंड मेरा दिल नहीं कहता कि मैं सैस्क्वैच के अगेंस्ट लड़ूँ, क्योंकि सैस्क्वैच सबसे ज़्यादा सुअर आदमी है। तो मैंने यहाँ पे अपनी टीम में गया और मैंने यहाँ पे शायद किटी प्राइड को लिया था, एंड किटी प्राइड इज़ गोइंग टू बी ऑसम फॉर दिस फाइट। एंड यहाँ पे हम लोग गए थे अगेंस्ट दिस वेल, एंड माई सीक्रेट प्लान इज़ टू बेसिकली इंटरसेप्ट दिस वैलकरी, ठीक है। तो
जहाँ तक याद है मैंने कॉम्बिनेशन में लड़ा था विद हरक्युलिस एंड किटी प्राइड एंड वी स्ट्रॉन्गली डिफीटेड हर लाइक नथिंग. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सीधा सीन यह था. बट ये जो हुआ था ना, ये थोड़ा दुख के परे था क्योंकि ये कभी कभार हो जाता है मेरे साथ में. ठीक है, अब यहाँ पे सीधा सीन यह था कि वैल अपनी स्पेशल वन मार दे, प्यारी प्यारी वैल, मेरी छोटी छोटी वैल, मेरी बछड़ा. ठीक है, तो मेरा छोटा सा बच्चा था वैल, तो उसको मैंने मारना स्टार्ट किया. ऐसा वैसा नहीं, बहुत प्रॉपर मारा है. ठीक है, तो बढ़िया तरीके से वैल को सूतना चालू किया था मैंने. और मेरा सीधा सीन है भाई, भाई देखो ऊपर लिखा है वन, तो वन का मतलब ये है अभी मैं स्पेशल वन को यूज़ करूँ. अब देखो स्पेशल टू लिख के आ गया. अब मेरा सीधा सीन यह था कि भाई मैं जल्दी से स्पेशल टू तक पहुँचूँ, बिल्कुल जल्दी से. ठीक है, तो यहाँ पे पड़ी स्पेशल टू वो पावर नोट के साथ, क्या प्यारा डैमेज था. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं प्रॉपर डैमेज करते हुए. अब स्पेशल थ्री है भाई, मैं नहीं मार सकता, मैं गरीब हूँ इस मामले में. ठीक है, मेरी नहीं बनी हुई है. अब स्पेशल वन था तो भाई सीधा सीधा मैं मारूँगा स्पेशल वन. आजा छोरी, नहीं आ रही. ठीक है, मेरी बात नहीं मान रही थी. और फिर भाई स्पेशल टू आई, तो यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी गाइस. शायद मैंने या तो पढ़ा नहीं था या तो कुछ मैंने गड़बड़ करी थी कि भाई जो स्पेशल दिखाया बस वही यूज़ करनी है. तो वो चीज़ मैंने करी नहीं थी शायद, शायद करी भी थी, थोड़ा सा टाइमिंग का इशू आ गया था. ठीक है, तो यहाँ पे वैल को अच्छा खासा मतलब डाउन कर दिया था मैंने हरक्युलिस से ही. बट उसके बाद में मैंने हगना चालू किया और ऐसा हगा कि मैं उसे बटोर नहीं पाया. ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल वन तो मार दी थी क्योंकि भाई कुछ कोने में फंस गए थे और कुछ बचा ही नहीं था करने को. तो जल्दी जल्दी शायद मैंने पुश मारा था कि नहीं, मोर्टिलिटी आ गई है. ठीक है, तो मोर्टिलिटी आ गई है एसपी टू बना के. और क्या किया था मैंने, शायद मार ही दी थी क्योंकि वो हाथ ही नहीं आ रही थी यार. हाँ, मैंने मार दी थी. देखिए, आप अगर वो स्पेशल यूज़ कर देंगे जिसका ऊपर वो नहीं दिया होगा इंडिकेशन, तो आप डैमेज नहीं कर पाएंगे. ठीक है, ये चीज़ शायद मैंने पढ़ी नहीं थी वैल के अगेंस्ट, और मैं बस मारता ही जा रहा था. माई प्लान वॉज टू बेसिकली हिट मोर स्पेशल्स. मैंने ध्यान नहीं दिया था कौन सी इस टाइम पे मारनी है, ये मेरी गलती थी. बट ये चाहता हूँ मैं आप ये गलती ना करें, उससे ज़्यादा इस फाइट में इतना कुछ ज़्यादा खास है नहीं. ठीक है, बहुत आराम से आप लोग कर लोगे. और यहाँ पे खंजर छू गया है, और खंजर ऐसा छुआ है कि सब कुछ बह गया है उस खंजर के साथ में, सब माल बह गया है अंदर से. ठीक है, तो नेक्स्ट फाइट होने वाली है किटी प्राइड से. तो किटी प्राइड से भाई सीधा से नहीं आता, जो बोलते रहे भाई करते रहो. ठीक है, अभी भाई ठीक है, तो बहुत आराम से यहाँ पे वैल अपनी ताकतों का गलत प्रयोग करते हुए, और मैं अपनी किटी प्राइड का अच्छे से प्रयोग करते हुए, और यहाँ पे स्पेशल वन का वो था और मैंने स्पेशल वन वाली बात सुन ली उनकी. ठीक है, उसके बाद में मैंने टेम्परेचर बढ़ने दिया अपना मोर देन मतलब भाई 400 करीब करीब, और मैंने अपने आप को पहुँचाया था स्पेशल टू तक क्योंकि भाई किटी प्राइड इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट काउंटर फॉर दिस वैल्करी, क्योंकि भाई डैमेज बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई. ठीक है, स्टॉर्म यूज़ कर सकते हो आप लोग, स्टॉर्म पिरामिड एक्स यूज़ कर सकते हो. ठीक है, बहुत सारे काउंटर्स है. ठीक है, इवन सन स्पॉट को भी यूज़ कर सकते हो, बस ब्लॉक ही नहीं करना है. ठीक है, वो ध्यान रखना. अब मैंने वेट किया था कि भाई स्पेशल टू आए. ठीक है, अभी नहीं मार सकता मैं, स्पेशल टू आने का वेट किया. जैसे आएगा स्पेशल टू, मैंने सोचा था भाई मैं मार दूंगा अपनी. अब जैसे स्पेशल टू आई मैंने मारी क्योंकि अनब्लॉकेबल थी, एंड यहाँ पे बहुत प्यारा हम लोगों ने सोलो कर दिया था इस वैल का. ठीक है, तो ऐसी वीडियोस के लिए मेरी सीरीज से जुड़े रहें, और इस सीरीज़ को मैं कंप्लीट करूंगा 8.4.6 तक. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू माई चैनल, लव यू गाइज, टेक केयर. और हाँ, बेल आइकन दबा के जाना. ठीक है, सो गुड बाय गाइज, टेक केयर.